दोस्तों सीरियल अनुपमा के फैंस जो कि अनुपमा को मिस कर रहे थे, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको अनुपमा नजर आने वाली है 2 दिन बाद। या दोस्तों आपको अनुपमा का न्यू प्रोमो जल्द ही दिखाया जाएगा जिसमें अनुपमा फिर से शो में नजर आएंगी और एक इंट्रो वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा जल्दी जिसमें अनुपमा फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आएंगी कि उनकी एब्सेंट में भी शो की TRP नंबर 1 रखी है फैंस ने और फैंस उन्हें कितना प्यार करते हैं। और इसी कोविड में भी उनका बर्थडे आया था तो उनको उस बर्थडे को भी उन्होंने काफ़ी स्पेशल बना दिया फैंस ने। तो दोस्तों अब अनुपमा को ज़्यादा मिस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और वो शो में नजर आएंगे। बात करते हैं करण टे की, तो भाई जैसे ही अनुपमा लौटेगी अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि काव्या यहाँ पर अनुपमा को वनराज से दूर करने के लिए चाल चलते हुए नजर आने वाली है। तो वही समर एपिसोड शो में लौटा है तो अब पूरे शो की कमांड अब हो गई है अनुपमा और समर के हाथों में। साथ में आपको राम कपूर की एंट्री भी शो में देखने को मिल सकती है क्योंकि शो की TRP जो बरकरार रखनी है। अब यहाँ पर शो मेकर्स अब किस तरह से राम कपूर की अनुपमा के साथ एंट्री करवाएंगे ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि जल्द ही सुधांशु पांडे भी शो में आपको नजर आएंगे। तो वहीं अब बात करते हैं अब लेटेस्ट ट्रेक की, तो यहाँ पर किंजल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पर अनुपमा और काव्या के बीच में बहुत ही बड़ा हंगामा आपको देखने को मिलने वाला है। काव्या यहाँ पर सबके सामने अनाउंस कर देगी कि अनुपमा का जो है अनुपमा और वनराज तलाक लेने वाले हैं और इनका 2 दिन बाद तलाक है तो ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। इनको इतने दिन भी आप दोनों ने साथ रखा, आप सबने साथ रखने की कोशिश की लेकिन इनका तलाक होने वाला है। लेकिन अब अनुपमा और वनराज किस तरह से करीब आएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले अनुपमा और काव्या के बीच में जो ड्रामा देखने को मिलेगा वो तो देखने को मिलने ही वाला है क्योंकि काव्या अब वनराज और अनुपमा को दूर रखने की कोशिश करने वाली है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होंगे और इसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और ये एपिसोड कैसा लगा और कितना इंतजार है आपको अनुपमा का कमेंट करके जरूर बताएं।